बुलावा पुत्र काम सुबे अंगे रचावा पुत्र की होने लगा। सिंगी ऋषि कौन है परिचित जी? सिंगी ऋषि दशरथ के सगे दामाद है। इनके एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम शांता रखा गया था, जो सिंगी ऋषि महात्मा को ब्याही गई। उसके बाद में ना तो इनके लड़का ना कोई लड़का कोई संतान पैदा नहीं हुई। वशिष्ठ जी कुल गुरु है, पुत्र काम सोभे यज्ञ रचावा पुत्रेष्ट यज्ञ होने लगा। पुत्रेष्ट यज्ञ होने लगा। यज्ञ महाराज प्रसन्न होकर के खीर का कटोरा लेकर के निकले तो दशरथ बड़े खुश है, खीर का बंटवारा करने लगे। ओ भाई भाग्य कौशल्य दीना अब भाग्य आदा कर लीना है। आधी खीर में से आधी खीर निकाली अपनी रानी जो सबसे बड़ी कौशल्या को दे दी, आधी खीर में थे सुमित्रा को, जो खीर रह गई थी वो कई को दे दी। लेकिन कौशल्या बोली, जिजी हमारे पति पे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? बोले सबसे ज्यादा खीर हमें दे दी है। बोले तो तू चिंता मत कर, मेरी एक बात सुन, तू ऐसा कर आधी खीर निकाल करके छोटी रानी सुमित्रा को दे दो। अब आधी खीर निकाल करके सुमित्रा को दे दी, सुमित्रा के दो भाग हो गए खीर खाली। अब जो कटोरे में परिचित जी खीर रह गई थी तब तक एक घटना घट गई। अंबर जी लीन रही उड़ाई खीर देख मन में ललचाई। अंबर में एक चील उड़ रही थी, जब उसने खीर का कटोरा देखा तो उसके मुख में पानी छुटाया, उसने ऐसा झपटा मारा वो खीर का कटोरा पंजों में दबा लिया। कहां पहुंची? पहुंची ऋषि मुंह पर जाई और जा तप करती अंजना माई। ऋषि मुंह पर्वत पे पहुंची जहां पर अंजना नाम की बानरी भोले बाबा की तपस्या कर रही थी। तब तक कुछ पतियों ने हल्ला बोल दिया, वो खीर का कटोरा छूट करके अंजना नाम की बानरी के हाथों में पड़ा। तो अंजना नाम की बानरी ने सोचा, लगता है शंकर भगवान मेरी भक्ति पे प्रसन्न हो गए हैं, इसीलिए मेरे लिए प्रसाद में खीर भेजी है। तो क्या किया है? अब कहां ले जाए रे?
जब हमारी बहनी सवाल बुझे कि कहाँ छोड़े आए बेटी, तो हम कहा बताए जाए उन्हें ले या, बता लिया।